अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू वी लव पाकिस्तान ट्रेन। दोस्तों सामने से जो ट्रेन रवाना हो रही है वज़ीराबाद जंक्शन से, वो रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली 36 राउंड सरसियत एक्सप्रेस है। तो दोस्तों इसकी लीड पर है RZCU20। तो दोस्तों सरसियत एक्सप्रेस यहां से ML1 छोड़ देगी और फिर खाने वाल जाकर ML1 से मिलेगी। तो दोस्तों इसकी लीड पर है ZCU26421 लोकोमोटिव, जो इसको फैसलाबाद तक लीड करेगा। RZCU सरसियत एक्सप्रेस रोजाना 1:30 बजे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से रवाना होती है। अब 36 टाउन सरसियत एक्सप्रेस ब्रांच लाइन पर चली गई है, जिसकी लंबाई 324 किलोमीटर है और इसका नाम खाने वाली वज़ीराबाद ब्रांच लाइन है। तो दोस्तों अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रेन 7 अप तेजगांव एक्सप्रेस होगी। तो दोस्तों अब वज़ीराबाद जंक्शन पर अराइवल हो रहा है कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 7 अप तेजगांव एक्सप्रेस का। क्या 7 अप तेजगांव एक्सप्रेस रोज़ाना शाम 5:30 पे कराची कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना होती है। 7 अप तेजगांव एक्सप्रेस एक ML1 की ट्रेन है, जो रोड़ी मुल्तान हानेवाल पत्तों की उकाड़ा से होती हुई लाहौर और फिर वहाँ से रावलपिंडी पहुँचती है। इसकी लीड पर है ZCU20 लोकोमोटिव। आज इसकी लीड पर है ZCU26405 लोकोमोटिव, जो इसको लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक लीड करेगा। तो दोस्तों आज 7 अप तेजगांव एक्सप्रेस 2 घंटे और 50 मिनट लेट पहुंची है वज़ीराबाद जंक्शन पे। तो दोस्तों अभी आगे बहुत सारी ट्रेन है, तो प्लीज़ स्टे विद अस। दोस्तों ये ट्रेन भी 7 अप तेजगांव एक्सप्रेस है, जो वज़ीराबाद जंक्शन से रवाना हो रही है और इसकी लीड पर है ZCU26418 लोकोमोटिव।
हेलो जी जी ओ बड़ी दूर आई है गाड़ी पीछे गार्ड देखिए जी जी और चल टूर की गाड़ी हूँ तो दोस्तों अभी इसके बाद आए थे 36 टाउन सर सैयद एक्सप्रेस और ये पिंडी पिंडी सैमरा पेरगाम एक्सप्रेस रावल पिंडी गई है गाड़ी रावल पिंडी गई जी जी हाँ दो अंदर की गाड़ी तो दोस्तों आप देख पाते हैं कि रवाना हो रही है 36 टाउन सर सैयद एक्सप्रेस वो देखो गाड़ी आ रही है वो देखो मुन्ना जा 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 मामू 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 इसकी लीड पर है रेड सीयू 26401 लोकोमोटिव ये लो शम तो दोस्तों इसके बाद जो ट्रेन है वो पाकिस्तान रेलवे की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन है और वो देखो गाड़ी आ रही तो दोस्तों आप जिराबाद जंक्शन पे पहुंच रहे हैं पाकिस्तान रेलवे की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन तो दोस्तों आप जिराबाद जंक्शन पर जिस ट्रेन का अराइवल हो रहा है वो सियालकोट और जिराबाद के दरमियान चलने वाली 226 टाउन शाहीन पैसेंजर एक्सप्रेस है तो दोस्तों शाहीन पैसेंजर एक्सप्रेस रोजाना शाम 4:30 पे सियालकोट रेलवे स्टेशन से इसकी लीड पर है रेड सी यू 26404 लोकोमोटिव
तो दोस्तों शाहीन पैसेंजर बेसिकली ट्रेन एक है और इसके नाम दो हैं, कराची से लेकर सियालकोट तक ये 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस है और फिर सियालकोट से लेकर जिलाबाद जंक्शन तक ये शाहीन पैसेंजर ट्रेन है। दोस्तों इस ट्रेन की वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ पहले ही बना चुका हूँ, जो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो दोस्तों शाहीन पैसेंजर सिर्फ जिलाबाद जंक्शन पर वॉश होने के लिए आती है, क्योंकि सियालकोट जंक्शन की अपनी वॉशिंग लाइन बंद हो चुकी है, इसलिए इसको जिलाबाद जंक्शन पर भेज दिया जाता है वॉश होने के लिए। तो दोस्तों इसके बाद जो आने वाली ट्रेन है वो रेल कार है। तो दोस्तों अब जीराबाद जंक्शन पे पहुंच रही है लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 103 अब सबक हराम रेल का, और इसका क्रॉस हुआ है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस से। दोस्तों 103 अब सबक हराम रेल का रोजाना शाम 4:30 पे लाहौर जंक्शन से रवाना होती है। इसकी लीड पर है आज ZCU-26401 लोकोमोटिव। तो दोस्तों अब इसका जिलाबाद जंक्शन पर 2 मिनट का स्टॉप होगा। इसके बाद रवाना होगी 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस, जो कि आज 1 घंटा और 30 मिनट लेट चल रही है। तो दोस्तों अब जिलाबाद जंक्शन से रवाना हो रही है पिशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। तो दोस्तों 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस रोज़ाना सुबह 8:15 पे पिशावर कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना होती है। इसकी लीड पर है PH-20A-31 किलो लोकोमोटिव।
दोस्तों अभी आगे बहुत सारी ट्रेन हैं, तो प्लीज़ स्टे विद अस। तो दोस्तों इसके बाद जो ट्रेन है वो पाकिस्तान रेलवे की VIP ट्रेन्स में शुमार होती है। तो दोस्तों अब जैदाबाद जंक्शन पे अराइवल हो रहा है कराची और मालगढ़ के दरमियान चलने वाली 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का। तो दोस्तों ग्रीन लाइन एक्सप्रेस रोज़ाना रात 10 बजे कराची कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना होती है। तो दोस्तों इसकी लीड पर है RGEU-20 लोकोमोटिव। तो दोस्तों इस लोकोमोटिव के पहले जो इसको कराची से लेकर आया था वो HGMU-30 लोकोमोटिव था। इसकी लीड पर है GEU-24561 लोकोमोटिव। दोस्तों लाहौर और मालगढ़ के दरमियान इस ट्रेन के सिर्फ 2 स्टॉप हैं, जो कि चकलाला रेलवे स्टेशन और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन है। दोस्तों इसके बाद एक दफा फिर शाहीन पैसेंजर ट्रेन है। तो दोस्तों अब शाहीन पैसेंजर एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है वज़ीराबाद सिटी में। इसके लीड पर है ZCU-26417 लोकोमोटिव। तो दोस्तों शाहीन पैसेंजर ट्रेन का रेक मुकम्मल खाली रेक था, जो सिर्फ वज़ीराबाद जंक्शन पर वॉश होने के लिए आया है। तो दोस्तों आज की आखिरी ट्रेन 48 दौड़ रहमान बाबा एक्सप्रेस वज़ीराबाद जंक्शन से रवाना हो रही है। तो दोस्तों रहमान बाबा एक्सप्रेस रोज़ाना सुबह 11 बजे पिशावर कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना होती है। इसकी लीड पर है PHA-20 लोकोमोटिव। तो दोस्तों इसकी लीड पर है पाकिस्तान की पावर, जो PHA-20-8314 लोकोमोटिव है। Yeah.
दोस्तों सर सैयद एक्सप्रेस की तरह 48 टाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस की एक ब्रांच लाइन की ट्रेन है जो आने वाले जीराबाद ब्रांच लाइन पर रवाना होती है। अब ये डाइवर्ट हो चुकी है आने वाले जीराबाद ब्रांच लाइन पर और अब इसका जीराबाद जंक्शन से चलने के बाद अगला स्टॉप है अलीपुर चट्ठा रेलवे स्टेशन। चलो आ जाओ, चलिए आ जाओ, शाम हो गया। दोस्तों आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।